आचार्य बालकृष्ण जी के जन्म दिवस के अवसर पर निकाली गई पेपर कटिंग। हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग स्वास्थ्य के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। जो मैं जानकारी आप लोगों को आज देने जा रहा हूँ, आज दिनांक 4 अगस्त 2024 को हम लोग आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी का ये जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे भारत वर्ष में यह है जड़ी बूटी दिवस के लिए, इसलिए चूंकि 2019 में हमारे आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी का ये को जड़ी बूटी दिवस पूरे भारत में पूरा धूमधाम से मनाया जाए और सभी लोगों को जड़ी बूटी के बारे में समझाया और बताया जाए, ताकि लोग घर में रहने वाले जड़ी बूटियों का कैसे कैसे इस्तेमाल करके और सभी रोगों को पीछा छोड़ा सकते हैं रोगों से। तो देखिए, आज मैं कुछ आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि देखिए, जैसे ये है बेल, ये बेल के पौधे हैं और ये बेल से हमारे पेट से संबंधित जुड़े हुए समस्त रोग आपको दूर होते हैं। ये छोटा सा चीज, गर्मियों में इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है, लोग शरबत बनाते हैं, मुरब्बा बनाते हैं, इस प्रकार का कार्रवाई की जाता है। इसके पत्ते का भी इस्तेमाल किया जाता है, फल का भी इस्तेमाल किया जाता है। आज मैं थोड़े थोड़े आप लोगों को जानकारी इस चीज के बारे में देंगे। जैसे ये देखिए, ये आपका जो है कढ़ी का पत्ता है, जिसे मीठी नीम भी बोला जाता है। ये मीठी नीम का सबसे अच्छा शुगर वालों के लिए बहुत बढ़िया है, और शुगर वाला ही नहीं कहिए तो ये इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। आप लोग को सुबह के टाइम में भी जब आप खाली पेट होते हो, आप 4-5 पत्ते को लेकर के इसको अच्छे से चबा चबा करके अगर आप खाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़िया होती है, शुगर भी इससे क्योर होता है। ये है मीठी नीम। आज मैं थोड़ा थोड़ा सा ही आप लोगों को इसकी जानकारी दूंगा। मेरे वीडियो में काफी सारी वीडियो बनी हुई है जिसमें आप सभी जड़ी बूटी के बारे में विस्तृत रूप से जान सकते हैं। ये देखिए गिलोय, इसका नाम है गिलोय। इसका देखने में इसका पत्ता जो होता है ये पान पत्ते के जैसा होता है, और इसका लत जो है नीम के पौधे पे अगर चढ़ता है तो अमृत के समान हो जाता है, और तकरीबन 99% के रोगों में ये काम आता है। ये इम्यूनिटी के लिए भी बहुत बढ़िया है। किसी प्रकार का बुखार हो, किसी भी प्रकार का बुखार हो, सर्दी हो, खांसी हो, जड़ से खत्म करता है। प्लस जो है आपके त्वचा रोग हो उसमें भी ये बहुत ज्यादा कारगर होता है गिलोय। इसके काढ़े बना के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पत्ते, इसके जड़ और इसके ये तना, ये तीनों चीज ही इस्तेमाल किया जाता है। ये आम के पौधे पे और नीम के पौधे पर ज्यादातर ये पाया जाता है, और ये गिलोय सभी लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये जामुन, ये जामुन को जैसा कि माना जाता है कि अगर इसकी गुठली, जामुन की गुठली को सुखा करके पाउडर बना दिया जाए तो शुगर डायबिटीज वाले के लिए बहुत बढ़िया हो जाता है, और शरीर में हमारा एक इंसुलिन की मात्रा बढ़ने लगती है जिससे हमारा शुगर की समस्या दूर होने लगती है। तो ये जामुन है। ये सहजन, मोरिंगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये पौधा, ये मोरिंगा दूध से 7 गुना ज्यादा कैल्शियम है इसके अंदर। अगर कैल्शियम की मात्रा आपके बॉडी के अंदर में है तो आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, और तकरीबन सभी रोगों में ये काम होता है। और बीपी जिन लोग है, खास करके लिए बीपी वाले के लिए रामबाण है, कि चूंकि बीपी में ये चीज से बीपी क्योर होती है, ब्लड प्रेशर जिन लोगों का ज्यादा रहता है वो साधारण किया जा सकता है। तो ये मोरिंगा है, जिसको हम लोग सहजन के नाम से भी जानते हैं। ये देखिए बगल में हमारे मजले भाई साहब रखे हुए, ये इसको बोलते हैं आंवला, और आंवले का इतना जबरदस्त लाभ है कि आंवला इम्यूनिटी के लिए, विटामिन सी के लिए जबरदस्त है, और त्वचा रोग के लिए ये सबसे बेस्ट है, पेट के लिए बहुत बढ़िया है। जिन लोगों का पाचन संबंधी समस्या होती है उनके लिए ये बहुत तगड़ा है, जिनके पेट में कब्ज, एसिडिटी रहते हैं उनके लिए बढ़िया है। और त्रिफला जब बनते हैं तो त्रिफला में सबसे ज्यादा गुणकारी अगर है तो वो है आंवला। इस आंवले का सेवन सभी लोगों को करना चाहिए, और विटामिन सी की मात्रा बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में इसमें पाया जाता है। साथ ही देखिए ये सदाबहार है, ये सदाबहार के कई वैरायटीज भी आते हैं, इसमें उजले वाले भी होंगे तो मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। ये सदा बहार शुगर में भी काम आता है, और प्लस सभी रोगों में इसका इस्तेमाल, कई रोगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और शुगर के लिए तो ये अद्भुत है। ये आंवला है, ये देख सकते हैं आप लोग आंवला, और
ये देखिए नीम, ये नीम का जो पौधा है ये त्वचा रोग के लिए सबसे बेहतरीन है। इसलिए कहा जाता है कि गर्मी के दिनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, चैत के महीने में इसको खाया जाता है ज्यादातर, चूंकि इसका तासीर जो है वो ठंडा होता है, तो ठंडे दिनों में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, गर्मी के दिनों में इस्तेमाल करते हैं। इसके इस्तेमाल से आपके शरीर के सारे रक्त बिल्कुल साफ हो जाते हैं और फोड़ा फुंसी घाव इस तरह के तमाम रोगों से आपको छुटकारा मिलता है। तो इसकी औषधि ये गुण बहुत ज्यादा है, ये नीम है और ये सबसे बहुत अच्छा पौधा। ये देखिए नीम के बारे में आप लोगों को बता दिया, ये देखिए इनके हाथ में देखिए ये हर श्रृंगार है जिसको परिजात भी बोलते हैं, इसको 99% के रोगों में दे सकते हैं। इम्यूनिटी के लिए बोस्ट बहुत जबरदस्त है, आपकी इम्यूनिटी को ये इतना बूस्ट कर देता है कि कोई भी रोग आपके ऊपर में हावी नहीं होता है, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ाता है। इसका इस्तेमाल आप कच्चा भी, इसके पत्तों को चबा चबा करके भी कर सकते हैं, और जिन लोगों के घुटने में दर्द हो, खास करके घुटने दर्द वालों के लिए, सबसे आजकल घुटने का दर्द बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसके 5 पत्ते लेने हैं और इसको अच्छे तरीके से पानी में बॉयल करने हैं और इसके 3 हिस्से को सुखा दीजिए और 1 हिस्से को चाय के रूप में इस्तेमाल करेंगे। देखिए इसका पत्ता किस टाइप का होता है, ये देख सकते हैं, ये है परिजात, ये बहुत पहले से ही लोग जानते हैं, हमारे ऋषि मुनि लोग इसका इस्तेमाल करते थे परिजात के। इसके फूल होते हैं, इसकी डंटी होती है वह नारंगी कलर का और इसके फूल होते हैं सफेद कलर का, ये बहुत ज्यादा खुशबू भी ये पौधा देता। ये है उड़हुल, ये उड़हुल के पौधे डायबिटीज में भी इस्तेमाल होते हैं, प्लस जो है सो इसको कई रोगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर यूं कहें और देख लीजिए, ये साथ में हमारा ये पत्थर चट्टा, इस जैसा कि इसका नाम है पत्थर चट्टा, तो पत्थर चट्टा पत्थर को खत्म करता है। हमारे शरीर के अंदर में किसी प्रकार की अगर किडनी वगैरह में स्टोन है तो उस स्टोन को निकालने में ये मददगार होता है। इसके पत्ते जो है थोड़ा मोटे दल के होते हैं और इसमें इसको जब खाएंगे तो खट्टा खट्टा जैसा आपको इसका स्वाद लगेगा। तो ये है पत्थर चट्टा, आपके बॉडी के किसी भी पार्ट्स में पत्थर हो गए हैं, पथरी हो गए हैं, उस पथरी को निकालने के लिए हम लोग पत्थर चट्टे का इस्तेमाल करते हैं। और ये बगल में ये बच्ची के पास सदाबहार है, तो सदाबहार के बारे में बताया था आप लोगों को कि इसके कई प्रकार के फूल होते हैं, गुलाबी भी होते हैं, उजले भी होते हैं। तो जितने भी मैंने आप लोगों को पत्ते, जितना भी आप लोगों को मैंने पत्ता दिखाया और जितने भी जड़ी बूटी के बारे में आप लोगों को समझाया और बताया हूँ, तो आप लोगों से आग्रह होगा कि सारे भी मैं आप लोगों को जितनी भी जड़ी बूटियों के बारे में बताया हूँ, ये सारी चीजें हमारे घरों के अंदर होती है, आप इसमें ये पीपल का पत्ता भी डाल दें और सारी पत्तियों का 4-4, 5-5 पत्ते, इसके लिए तुलसी रख दिए थे, ठीक है। ये दीपक, दीपक इधर आइए और ये देखिए इनके हाथ में ये तुलसी है और तुलसी पौधा अभी तक मैंने 90% और 99% बोला, ये 100% रोगों में ये काम करता है। ये तुलसी की जो पौधा है ये जबरदस्त है और तुलसी का सेवन सभी लोगों को करना चाहिए। तुलसी हमारे शरीर, देखिए पूर्वज लोग भी क्या बना दिए थे, इसको भगवान बना दिए, क्योंकि इसको आंगन में रखिएगा, इसमें पानी भी देना है तो ये मरना भी नहीं चाहिए। जो हमारे आंगन के अंदर पूरे घरों में पॉजिटिव मतलब सकारात्मकता एल आती है, नकारात्मकता को दूर करती है और बहुत ही मतलब रोगों पे ये प्रभावी होती है, और खास करके सर्दी खांसी की जो चीज है, एलर्जी की चीज है, उन लोगों को ये तुलसी का पौधा बहुत ही कारगर होता है और सभी लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। जितने भी जड़ी बूटियों के बारे में आज मैं बताया हूँ, यहाँ तक कि तुलसी भी, सभी को डाल करके एक गर्म पानी में 3 हिस्से को सुखाइए, 1 हिस्से को पी लीजिए, ये बहुत जबरदस्त काढ़ा के रूप में इस्तेमाल होता है। कोरोना के समय में भी ये हमारा जड़ी बूटी ही काम आया था और लोग स्वस्थ हुए और अपने जान को बचा पाए, तो जड़ी बूटी में बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। अपने हमारे घरों में बहुत ज्यादा अभी जो हम अपने घर में जीरा है, जवाइन है, हल्दी है, इस प्रकार की काली मिर्च है, अदरक है, सोंठ है, ये सभी के घरों में पाया जाता है और सबसे जबरदस्त ये इसके औषधीय गुण है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई रोग हो जाता है
तो हल्दी का सेवन जरूर करें आप लोग। अभी सर्दी खांसी एलर्जी अभी का जो मौसम चल रहा है, लोगों को सीजनल फीवर वगैरह भी आ रहे हैं, सर्दी जुकाम भी आ रहा है, गले में खसखसाहट आ रहा है, उन लोगों से आग्रह होगा कि ओरिजिनल हल्दी का पाउडर बना करके उसका गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें, दूध के साथ इस्तेमाल करें, तो आपके शरीर के अंदर इम्यूनिटी का विस्तार होगा, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेंगे, हर रोग पे इसका फायदा होगा, क्योंकि हल्दी एंटीबायोटिक होता है। हमारे पूर्वज लोग भी, अभी कहा जाता है कि किचन के अंदर में बिना हल्दी का कोई भी खाना नहीं बनाया जाता, अशुभ माना जाता है, क्यों? क्योंकि वो हल्दी इतना कंपलसरी कर दिया गया आपके किचन में कि इसका लाभ सभी लोग उठा सके, इस तरह का हल्दी में गुण होता है। तो इस हल्दी का इस्तेमाल हम लोग घर में कर सकते हैं। अभी जीरा है, किसी को पेट में गैस एसिडिटी होता है, लोग एसिडिटी के लिए खाते हैं, तो वो सारे चीज जीरा जो है आपके पेट के जो गैस है उस गैस को भी दूर करता है। जीरा को क्या करना है, थोड़ा सा उला देना है, मतलब कि तावे पे थोड़ा सा भून लीजिए और उसको पाउडर बना लीजिए, घर में रख दीजिए एक डब्बे में, जब आपको गैस हो ना एक फक्का लगा लीजिए गर्म पानी के साथ और मन में ऐसा सोचिए कि मेरे सारे एसिडिटी मेरे कब्ज हमारे दूर हो जाएंगे, ऐसा थॉट के साथ अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उस गैस से आपको निजात मिलेगा। आपके घर में पुदीना होगा, पुदीना हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। कि जितने चीजों का मैंने नाम लिया है ये सब औषधि गुण से भरपूर है, लेकिन इसका इस्तेमाल करना मुझे नहीं आता है और हम लोग इसका लाभ नहीं ले पाते हैं, जो कि सभी लोगों का इसका लाभ लेना चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए। तो आज हमारे जो आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी का जन्म दिवस के अवसर पे हम लोग जड़ी बूटियों के बारे में लोगों को गांव-गांव में भी जा करके लोगों को समझाते और बताते हैं कि इसका लाभ कैसे उठाएं और अपने रोग को कैसे दूर करें और अंग्रेजी दवाइयों के ऊपर निर्भर ना रहें, क्योंकि हमारी अंग्रेजी दवा जो है वो हमारा अंग्रेजी दवा सिर्फ इमरजेंसी के लिए रखें, क्योंकि हमारा शरीर का जो रेसिस्टेंस है वो अंग्रेजी दवा खा खा करके भी जो है सो क्या हो जाता है, अभ्यस्त हो जाता है और अंग्रेजी दवा भी काम करना बंद कर देता है। तो उस इमरजेंसी के लिए आप अंग्रेजी दवा का इस्तेमाल करिए और बाकी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करिए, इसका इस्तेमाल करके स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए और खुश रहिए और योग करिए और इस आयुर्वेद को जितना फैला सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी दी हुई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए ताकि इसका लाभ सभी लोग उठाएं और इससे वंचित कोई भी हमारा कोई भी घर ना रह सके, हर आदमी इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल करे और निरोग रहे, स्वस्थ रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरे लोग तक जरूर पहुंचाए, क्योंकि ये हमारा निस्वार्थ भाव का ये सेवा, आप लोग का सेवा ये होगा, ये पुरुषार्थ होगा कि इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी शेयर करिए। धन्यवाद। ओम।